हुआ, तारीख चली, आप लोगों तक हमारी तक पहुंची है। ये एक शहजादा था जी, मिस्र का बादशाह का बेटा, बादशाह का नाम था आसम, शहनशाह का बेटा था एक ही। उसको ख्वाब आई, ख्वाब के अंदर इशारा हुआ, ये झील भी उसने ख्वाब में देखी, यहाँ परी को भी ख्वाब में देखा था उसने। उससे पहले इंसानी होती थी, ये किसी दौर के अंदर कुछ कैदों की प्रस्थान लाता, इसको खिलाई जाता था, इस वजह से कि ये जिनों परियों का देश था और उन चीज़ों की आबादियाँ बसेरे हुकूमत बादशाह चल रही थी इंसान से पहले। जिस वक्त वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा, एक साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर किया, बीच में फंस किया, उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला गुजरती रास्ते में। उसने ये बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जा शहजादा, आपको परी मिला भी की तो नज़र भी आ जाएगी। और मलका पर्वत वो सामने वाली जो यही अभी नज़र आ रही है, और इस वक्त तक तो इस पहाड़ को किसी ने पार नहीं कर सका, सर नहीं है। वजह इसकी ये है इसके ऊपर जिन परियों का कब्जा अभी भी है, वो चीज़ें इंसान को ऊपर पहुँचने नहीं देती, पहले गिरा देती है, मार देती है। जहाज हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं दिया। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली तो उसकी मदद में दो जिन हाजिर हो गए। अब जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये सामने पहाड़ी आबादी तरफ, जिसके ऊपर छोटी आबादी भी है, उस तरफ से पानी का रास्ता ऊपर से नाला। उस वक्त यहाँ तक है ये झील थी, ये पानी था, ये झील का एरिया पूरा 40 दिन चिलक था। 40वें दिन के बाद देखते जान की चौदहवीं रात है, एक टेम में परिये का मेला लगा हुआ है, रात के एक हिस्से में सात सहेलियाँ भी हैं, तो अठवीं जो है बदीर जमाल मलका भी साथ है। उस वक्त शहजादे को खुशी हुई, अल्लाह का शुक्रिया पढ़ के उन्होंने जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरी कब्जे कैसे आ जाएगी। जिन पहुँचे सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रख के झील में सैर तफरी के लिए चले गए। अब जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेकर शहजादे को दे दिया। परियाँ जिस वक्त झील से फारग होकर बाहर रही, अपने अपने ताज उठा कर पहने, मलका का ताज गायब है। दूसरियों से पूछा, दूसरे ने भी कहा कि हमें कोई मालूम नहीं अल्लाह के, वो तो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेले रह गई मलका। उस वक्त शहजादा उसके सामने आया, शहजादे को उसको बोला कि शहजादा जल्दी कर मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में हूँ, अगर वो जैन यहाँ पहुँच के आपको भी मुझे भी ख़त्म कर देगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी, शहजादे ने कहा कि रूप बदला करेगा मेरे साथ, यहाँ से ले कर हासिल करके दिया नारायण की तरफ। ये नारायण कागान का एरिया जितना भी है, ये कोई काफ लाता था, वो जिन्हें परियों का लाता था, इंसान का नहीं था। जो परियाँ वापस गई थी उन्होंने जाकर देव को बताया, मलका से जुदा हो गई, देव पहुँचा, देव ने भी दिया ये फलड की है सैलाब, सैलाब जाकर नारायण में पहुँचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला इस मुसीबत से बचा। उस वक्त जमीन फट गई, जमीन के अंदर एक सुरंग बन गया गार, जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त भी मौजूद है नीचे नारायण। सब दुनिया जाकर देखती है, जिसके अंदर टारच रोशनी काम नहीं करती, इस वक्त भी अंधेरा ही लगता है। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू सर टाप जा गया, बाबू सर टाप से आ गया एक स्कर्पू सेट है, जो सही प्लेन है, जो सही की पहाड़ जो है उस देव से मशहूर है कि वो देव जा कर उस पहाड़ के अंदर घूमता रहे, फिरता रहे, उसको परी न मिली। अगर जाकर एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने जंप लगाया, गुस्से से उसी जंप के साथ जिस वक्त देव जो है ये गिरा है, उसका सांस निकल गया, मर गया परी के शरीर में। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से उन्हें जिन्होंने निकाल के चले के मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूद इस लिए नाम है इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की मुलाकात यहाँ हुई, यहाँ से उसको परी हासिल हुई, कामयाब होकर शहजादा लेके मिस्र को गया। उसके बाद लोगों तक ये तारीख चलती गई, पहुँचती गई, लोग आने शुरू हुए, और इस वक्त तक ये झील की गहराई और इसकी डीप जो है अंग्रेज़ गोरों ने बड़ी कोशिश की और बड़ी टीमें आई, पर अभी तक नहीं हो सकी। इसकी गहराई तब नहीं मालूम हुई कि ये दरमियान में एक खाई है, जिसके अंदर से ज़मीन से चश्मे फूटते नीचे से गुजरती और उनका साथ साथ गिराई जा रही है। और सर्दियों में ये झील पूरी जम जाती है, दिसंबर में शीशा बन जाता है, इसके ऊपर इंसान चल फिर सकता है, घूम सकता है, पर उस वक्त रास्ते बंद हो गए, फिर इंसान नहीं पहुंच सकता यहाँ, अल्लाह की शान के विरुद्ध है। और सर्दियों में ये झील जम भी जाती है, दिसंबर में ये एक शीशा होएगा, इसके ऊपर इंसान चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, पर उस वक्त रास्ते खुले हों तो तब आ सके। और इस वक्त आप लोग सी लेवल के हिसाब से
जमीन की सतह जो है 10,500 फुट की बुलंदी पे 7,000 इसी पूरे मलका पर्वत की हाइट जिसको इस वक्त तक किसी ने पास सर नहीं कर सका। अल्लाह की शान अल्लाह की कुदरत बस।